कोरोना वायरस के चलते घोषित देशव्यापी लॉकडाउन को करीब एक महीना होने के बाद केंद्र सरकार ने मॉल्स और कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर दूसरे सभी इलाकों में सभी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन अभी 3 मई तक का रखा गया है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी हैं और सभी को ये मान्य भी हैं। इसी बीच ये राहत की खबर है कि कुछ इलाकों में दुकानें शर्त के साथ खोली जा रही हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में ये साफ किया गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा, साथ ही उन्हें मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्धारित मानकों का पालन भी करना होगा। दुकानदारों और खरीदारों के लिए ये आदेश बड़ी राहत बनकर आया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 1433 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक दिन पहले ये आंकड़ा 1755 था। इस गिरावट में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां नए मामले 50% घट गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दरमियान वायरस ने 54 लोगों की जान ले ली है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा 25,000 हो गया है। इससे अब तक कुल 780 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर है कि कुछ दुकानें सशर्त खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS।